विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हेयर डाई। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेयर डाई में कौन से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हेयर डाई से आपके बालों को क्या नुकसान होता है, हेयर डाई कैसे सेलेक्ट करें, आपके बालों को हेयर डाई से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को कैसे बचाएं और नेचुरल हेयर डाई कौन सी है जो आपके लिए सेफ हो सके। चलो आप से आज एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल जो आपके बालों के लिए होते हैं, मीन्स बालों के हेयर फाइबर में इनको डाई क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, वो कौन से केमिकल है, वो मेनली केमिकल चार होते हैं। एक जो सबसे कॉमनली मिलता है वो PPD होता है, जो है ब्लैक कलर का होता है। इसे पूरा नाम है पीफिनाइलिन डाई अमाइन। इससे कई बार एलर्जी होती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कारण यही केमिकल होता है। दूसरा केमिकल होता है जो हम सभी जानते हैं अमोनिया, इसलिए अक्सर बातें होती है अमोनिया फ्री अमोनिया फ्री अमोनिया फ्री। अब अमोनिया क्यों डाली जाती है, बेसिकली अमोनिया एक गैस है जो हेयर फाइबर में जाकर के जो क्यूटिकल्स होती है एक दूसरे से ऐसे पैक रहती है, तो ये अमोनिया उसको खोल देती है, ओपन कर देती है, और ओपन करने से उस ओपन स्पेस में डाई अंदर चल जाती है, तो डाई का डीप पेनिट्रेशन हो जाता है। दैट इज द रोल ऑफ अमोनिया। और अमोनिया अक्सर बालों को नुकसान पहुंचाती है, क्यूटिकल ज्यादा ओपन होती है तो हेयर फाइबर वीक हो जाता है। तीसरा केमिकल आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो हेयर फाइबर पे एग्जिस्टिंग कलर है प्रीवियसली किया हुआ उसको हटाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो हेयर फाइबर को एक केमिकल इंजरी पहुंचा सकता है। फोर्थ, ऑल्दो इसका उपयोग US और यूरोप में बंद कर दिया गया है, वो है लेड एसिटेट। तो ये चार मुख्य केमिकल जो डाई में होते हैं वो आपके बालों को हेयर शाफ्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो नुकसान क्या क्या होते हैं, हेयर शाफ्ट को डैमेज कर सकते हैं, मीन जो हेयर फाइबर की क्यूटिकल है, क्यूटिकल एक हेयर फाइबर की कवरिंग होती है जो शिंगल्स के रूप में होती है, एक के ऊपर जैसे कवेलू रहते हैं, तो यदि ज़्यादा ओपन अप हो गई उसमें पिगमेंट्स अंदर चले जाएंगे और अंदर के प्रोटीन को डैमेज करेंगे, अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे, तो ये हेयर फाइबर रफ हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे और कमजोर होने के कारण टूटेंगे। ये बहुत सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब रफ हो जाते हैं, फ्रीजी होता है, और जब आप कॉम्बिंग करते हैं तो ट्रॉमा क्रिएट होता है, हेयर फाइबर वहां से वीक हो जाता है और टूट जाता है। फिर आता है जो कॉमन होता है जिसका हम ध्यान भी रखते हैं, वो है डर्मेटाइटिस या एलर्जी, इंक्रीज इन हेयर फॉल बिकॉज ऑफ द केमिकल इंजरी टू हेयर शाफ्ट, आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। फिर चौथा जो किसी किसी में पाया गया, कई बार अननोन सस्ती डाई का उपयोग कुछ लोग करते हैं, मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जिसमें उनको केमिकल बर्न हो गया है, जल गया उनके सारे बाल, तो हार्मफुल केमिकल होता है। कई लोग सस्ते फार्मूले का उपयोग करते हैं, सस्ती डाई काम में ले लेते हैं, ओल्ड डाई होती है और वो आप पे केमिकल बर्न क्रिएट कर सकती है। अब आता है कि आपके बालों की रक्षा इन डाई से कैसे की जाए। ये दो प्रकार से है, एक तो डाई से रिलेटेड कि डाई आपके लिए सेफ हो, दूसरा बालों को इतना मजबूत बना जाए। तो मैं पहले डाई रिलेटेड फैक्टर्स आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे बालों को डाई से बचाना है। सो ऑलवेज यूज ए गुड क्वालिटी ऑफ ट्रस्टेड डाई। अब ट्रस्टेड यदि आप पहली बार काम में ले रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा, तो इधर यू आस्क डॉक्टर और यू आस्क योर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हु इज यूजिंग दैट डाई फॉर द लॉन्ग टाइम। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टेड डाई। Then, if you are using that particular dye first time, then always do a hair patch test, means
स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर फाइबर पे आप डाई को लगाइए 48 घंटे पहले, और फिर 48 घंटे तक आप चेक करिए आपको कोई स्किन इरिटेशन तो नहीं हो, कोई केमिकल बर्न तो नहीं हो रहा, बालों को कोई नुकसान तो नहीं, आपको एलर्जी तो नहीं, फिर उसके बाद में आप उस डाई का उपयोग करिए। अक्सर ये देखने में आता है कि हम चाहते हैं हमारे बालों पे गहरा रंग जाए तो हम डाई ज़्यादा देर तक लगाते हैं, ये नॉर्मल एक साइकोलॉजी है। तो ऐसा ना करें, हर डाई में बॉक्स पर या उसका जो लीफलेट होता है उस पर लिखा हुआ आता है कि आपको डाई 20 मिनट लगानी है या 15 मिनट लगानी है। वो कंपनियां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक वो कॉमन स्टैंडर्ड टाइम देती है, सेफ टाइम, कॉमन डाई एप्लीकेशन सेफ टाइम देती है, आपको उतने ही टाइम लगाना है। यदि आप ज़्यादा समय तक लगाते हैं आप भूल जाते हैं कि अक्सर महिलाओं के साथ होता है डाई लगा के किचन में काम करने लगती, बच्चों का खाना बना लेती और भूल जाती है अभी धोती ऐसे करके 2 घंटे बिता देती है। तो वो डाई में जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो अमोनिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जब वो लंबे समय तक हेयर फाइबर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो डैमेज करेंगे, आपकी चमड़ी को भी डैमेज करेंगे। अतः प्रेस्क्राइब टाइम जो डाई का पर्टिकुलर है उसी देर तक उस डाई को लगाइए। यूज हेयर कंडीशनर आफ्टर यूजिंग द डाई, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुड क्वालिटी की डाइज आती है उनके साथ अक्सर एक हेयर कंडीशनर आता है, यदि वो नहीं आता है तो आप कोई सा भी डाई करने के बाद में उसी वक्त हेयर कंडीशनर लगाइए, वो स्मूथन अप कर देता है हेयर फाइबर को। फिर कुछ कंपनियां एक प्रोटेक्टिव क्रीम भी सप्लाई करती है, जैसे मैं लॉरियल डाई लगाता हूँ तो उसमें क्रीम आती है, बिफोर एप्लीकेशन वो क्रीम आप हेयर फाइबर पे लगा सकते हैं, तो ये क्रीम आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है। तो ये मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए कि डाई से, कोई सी भी डाई हो, सेफ से सेफ डाई हो, उससे अपने बालों को बचाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम अपने बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे एक मकान है, बारिश आता है, तूफान आता है, तो सारे मकान नहीं गिरते, कुछ मकान ही गिरते, कुछ मकानों की छतें जाती, बाकी क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो मजबूत बने हैं। ऊपर वाले ने तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया कि एक मकान पे ज्यादा हवा तूफान कर दिया, दूसरे पे कम किया, वो तो उस एरिया में सेम लेवल का तूफान या बारिश या आंधी आई थी। तो जो मकान मजबूत हैं वो बन जाते हैं। अतः आप अपने बालों को मजबूत कैसे बनाए, मैं उस वो फैक्टर्स बता। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जो बाल है 95% से 98% प्रोटीन होता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और स्ट्रेस के कारण बाल जल्दी झड़ते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तो योर लाइफ शुड बी हेल्दी, you should eat nutritive diet. What do you mean by healthy nutritive diet? Means a diet which has got sufficient amount of protein, vitamins, minerals and the iron. Good hydration, because hair fiber में water भी होता है, यदि आप dehydrated है तो बालों को का hydration proper नहीं होगा, dehydrated hair will be dry, brittle and they will break. फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ करके मालूम कर सकते हैं कि आपको कोई वाइटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं। सबसे कॉमन वाइटामिन डेफिशिएंसी फीमेल में जो मिनरल की है वो है आयरन, B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन बी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसके अलावा प्रोटीन हम सभी लोगों का डिफिशियंट होता है हमारी डाइट में। अक्सर ये माना जाता है कि प्रोटीन सिर्फ जिम वाले लेते, नहीं ये गलत है, हमारी बॉडी की संरचना के लिए प्रोटीन ऐसे ही है जैसे मकान को बनाने के लिए सीमेंट। फिर आपको स्मोकिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर ये अवॉइड करने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो अतः मैंने आपको ये बताया कि कौन सी डाई में कौन से केमिकल है जो आपके लिए हार्मफुल है, आप उस डाई से कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं।
अब लास्ट में आता भाई मेरे लिए कैसे मैं सेलेक्ट करूं। एक तो मैंने बताया ट्रस्टेड वर्ड का क्या मतलब है, अच्छी क्वालिटी का मतलब बताया, आप उसका कंपोजिशन देखिएगा, अपने फ्रेंड्स क्लोज रिलेटिव से पूछिएगा। इसके अलावा आप नेचुरल डाई का उपयोग भी कर सकते हैं। नेचुरल डाई में हम सभी जानते हीना है ना, मेहंदी, मेहंदी का उपयोग अक्सर बरसों से सेंचुरी से किया जाता रहा है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अक्सर बाजार में काली मेहंदी मिलती है, मैं बताऊं आपको, भगवान ने कोई काली मेहंदी नहीं बनाई, ये नीचे वाला है जो भगवान की मेहंदी को काली कर देता है और वो बहुत हार्मफुल होती है। यदि आप मेहंदी को काली करना चाहते हैं तो आप मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में, लोहे के बर्तन में भिगोए तो उसके ऊपर जो रंग चढ़ेगा वो काला हो जाएगा और वो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दैट्स हाउ यू कैन मेक योर ओन काली मेहंदी। लोहे का बर्तन, कढ़ाई जो आपका रखिएगा, उसके अंदर आप मेहंदी को भिगो दीजिएगा, आपकी डेढ़ दो तीन घंटे तक उसमें रहेगी तो उस पर मेहंदी का रंग, मेहंदी पे वो रंग चढ़ जाएगा काला और आपको एक्स्ट्रा काला करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।